हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल द ब्राउन एक्शन। आज की वीडियो बनेगी गंगूबाई काठियावाड़ी का ऑफिशियल ट्रेलर पे। आलिया भट्ट की मूवी आ रही है, संजय लीला बंसाली ये भी है और अजय देवगन है साथ। 25 फरवरी को ये रिलीज हो रही है और इसका ट्रेलर आ चुका है। और कोई पंजाबी टाइप थोड़ा टच आ रहा है देने गंगू भैया? नहीं, थोड़ा मुझे नहीं लग रहा पंजाबी। देखते हैं आपके पंजाबी है यहाँ भाई, टोटली हिंदी मतलब बॉलीवुड तो मतलब टच होगा ना, जैसे वो हिंदी एक यूनिक स्टेट्स के अंदर बोली जाती है, हो सकता है यूनिक और सादी हिंदी ना हो। तो अभी विदाउट टाइम वेस्ट के अप्लाई कर दे दोनों, चलते सब्सक्राइब कर दे, चलते हैं वीडियो की तरफ। कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि वहां गंगूबाई रहती है। नमस्ते नमस्ते शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना, आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है साली, खत्म ही नहीं होती। बिरजो, तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? मुझे तेवर दिखा रही है, तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी मैं। कमाठीपुरा रजियाबाई का था, कमाठीपुरा रजियाबाई का रहेगा। तेरी रजिया कर आप सुन सुन किया उल्टी आ जाती है। तेरी औकात मेरा बसते हुए देखना पसंद है, गुजरते हुए नहीं। ठान लिया गंगू ने, हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। लिखो माँ का नाम गंगूबाई और बाप, बाप का नाम क्या लिखें? माँ का नाम काफी नहीं है ना, चलो बाप का नाम देवानंद। और थोड़ा खोलो, और थोड़ा। अब पूरा का पूरा चाइना मुंह में घुसाएगा क्या? अरे जब शक्ति संपत्ति सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? हे जी भाई, लिख देना कल की अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। ये था ट्रेलर गंगूबाई का और बहुत ही एक पॉलिटिकल मूवी है बेसिकली, और वुमेन एम्पावरमेंट पे, कि वुमेन एक प्रोस्टिट्यूट बेसिकली दिखाई, या कि वो अपने मतलब उसके लिए लड़ती है, औरतों के लिए लड़ती है कि हर लड़की को इस तरह देखे ना, क्योंकि उसने फेस की होती है डिफिकल्टीज और ये सारा कुछ। तो वो तो बड़ा अमेजिंग था, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है, इसके सिनेमाटोग्राफी बहुत अमेजिंग थी, बहुत बहुत कलर्स और सारा जो कॉम्बिनेशन उन्होंने किया हुआ था शॉट्स वगैरह का, बहुत ही आला किस्म का था जी। उसके अलावा एक उसकी एक्टिंग की बात की आलिया भट्ट की, वो तो एक उसने नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर में खोल के एक्टिंग की। और अजय देवगन की सिर्फ एक छोटा सा क्लिम्स ही था, वो तो मूवी देख के पता लगेगा उसमें कितना उसने
कैरेक्टर के अंदर घुस के काम किया है। मतलब इसने अगर देखा जाए तो अजय इज बैक इन मूवीज, पहले खत्म नहीं खत्म हो गया था। अब इंडिया की थोड़ी पहले भी एक मूवी का ट्रेलर हमने किया डायरेक्टर, उस पे जो है ना आप लोग वो देख सकते हैं, वो जो RRR में इसकी बिल्कुल अपीयरेंस है उसके अंदर, RRR में भी, उसमें वैसे भी एक अभी मूवी आई है अजय देवगन की जिस पे हमने रिएक्ट किया थोड़े दिन पहले, वो नाम जितने निकले उसका हम जरूर आई कैम में क्लिक करके देख सकते हैं, मेंशन कर देंगे ऊपर। और आलिया भट्ट की बात करें तो बहुत ही कमाल किस्म की एक्टिंग है, मतलब नेक्स्ट लेवल काम किया, पता लग रहा है साउंड भी ट्रेलर से पता लग रहा है, और उसका ट्रेलर भी काफी अच्छा जा रहा है, नंबर 15 ट्रेंडिंग ट्रेलर जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो अब तो मूवी आएगी 25 फरवरी को, आप बताइए आप मूवी कैसी है कैसी नहीं है वो कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक करें दोनों चैनल, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।